ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे बच्चे बनो और बच जाओ। जी हाँ, आज इस तनाव के युग में, इमोशनल इम्बैलेंस के युग में, हम अगर बच्चे बने तो बच जाएंगे। हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कैसे जीना है, जीना सिखाते हैं, मैनर सिखाते हैं, पर मैं आप समझदारों को निमंत्रण देता हूँ कि आइए, जीना सीखना है, आनंद पूर्वक जीना है तो कुछ बच्चों से सीखें। बच्चों से क्या सीखते हैं? बच्चों का हंसना, बच्चों का मुस्कुराना, बच्चों का भोलापन और बच्चों की भूलने की कला सीखनी है। तो सबसे पहले भूलने की कला पर विचार करते हैं। आपने देखा हो, कोई छोटा सा बच्चा है, किसी बात पर रो पड़ा है, उसे कोई बात बुरी लग गई है और वो रोना शुरू हो रहा है। उसके माता पिता या कोई भी, चलो मान लिया आप ही, उसके पास जाएंगे, उसको बोलेंगे, देखो वो चीज़ वो चीज़ वो चीज़ और वो गई, मतलब उसका आप ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे ही ध्यान डाइवर्ट हुआ उसका, और उसने रोना छोड़ दिया, और आप और तो और उसे आप गुदगुदी कर दो तो वो रोता रोता और भूल कर हंसना शुरू कर देता है, और उसके बाद वो सच में ही वो बात भूल जाता है और खेल में लग जाता है। यही बात हम थोड़ा सा बड़े हो गए, युवा हो गए, अधेड़ हो गए या बुजुर्ग हो गए, अब हमारे साथ जब बात आती कोई घटती है, हम आंख का रोना तो नहीं रोते, लेकिन रोने जैसी बातें सोच रहे हैं, मन दुखी है, परेशान है, कोई आके गुदगुदी जैसी करने लगता है या ध्यान डाइवर्ट करता है और या कहता है भूल जाओ, तो हम कहते हैं बच्चा समझ रखा है। इसका मतलब हम समझदार हो गए हैं और कचरे को रखे रखने की आदत हमने सीख ली है। तो क्या इसे आप समझदारी कहेंगे? बच्चा उसी क्षण भूल जाता है क्या उसको बात चुभी, किस बात पर उसने बुरा लगा उसको, और हम सालों से उन बातों को संभाल कर रख रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा किसी ने किसी को चाकू मारा, उस चाकू से जो उसको घाव बना, अब व्यक्ति जिसको चाकू लगा था उसने वो चाकू निकाला और अक्सर वो चाकू को उसी घाव पर बार बार मारता है और उस घाव को हरा करता रहता है। आप भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे? अपनी जिंदगी को नरक मत बनाइए। लोगों के फेंके हुए कांटे, लोगों की फेंकी हुई गंदगी, लोगों के द्वारा छोड़ी गई बदबू, संकल्पों और बातों के द्वारा जो आप तक पहुंचती है, उसे ग्रहण ना कीजिए। और अगर गलती से आप हर्ट हो भी गए हैं तो जल्दी से जल्दी उससे बाहर आने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात, बच्चे हर चीज़ का मजा लेते हैं। आप बारिश की बूंदों में बच्चों को भीगता देखें, सफ़र कर रहे हैं बच्चों को एक एक चीज़ का आनंद लेता देखें, खिड़की से बाहर चलती गाड़ी से वो प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अपने आप ही बातें कर रहे हैं, काल्पनिक बातें करते हैं, लेकिन उनकी किसी भी काल्पनिक बात में कोई चिंता नहीं है। कहते हैं बच्चा और बूढ़ा एक समान है, कुछ बातों में एक समान है, लेकिन अगर बूढ़े बुजुर्ग सच में बच्चे जैसी मेमोरी ले आए, सीखने की कला सीख लें, हर चीज सीखना है, हर चीज में क्यूरियोसिटी हो, और कोई समझाए कोई सिखाए तो हर चीज में निश्चिंत हो जाए, ऐसे बच्चों जैसा जीवन। आपको पता है बच्चा जो छोटा है वो दिन में 423 बार मुस्कुराता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कई बार तो लोग कहते हैं हम 423 दिन में एक बार दिल से हंसे हैं, मुस्कुराए हैं। और बच्चा बिना बात के मुस्कुराता है, सोते सोते हंसता है, सोते सोते मुस्कुराता है।
जिनको नहीं जानता उनको देखकर भी मुस्कुराता है और मुस्कुराता ही रहता है। उसे दोस्त बनाने की कला आती है। हम जैसे जैसे बड़े हो गए, हम मुस्कुराहट को कब्जे में करके रख लिया, ओकेजनली मुस्कुराते हैं या आर्टिफिशियली मुस्कुराहट देना शुरू कर दिया, रिसेप्शनिस्ट स्माइल देनी शुरू कर दी, मजबूरी में दिखावे के लिए स्माइल देते हैं। अंदर से खुश होइए, बच्चे बनिए। बच्चे हर चीज अपनी माँ बाप को सौंप देते हैं, हर चीज, छोटा सा खिलौना, बड़ा सा खिलौना, बच्चा लेके पूरा दिन खेल रहा है, शाम होती है अपनी माँ या पिता को पकड़ा देते हैं कि तुम संभालो, मैं चला सोने, सुबह देखूंगा। ऐसे ही आप भी बच्चे बनिए और उस बेहद के पिता को अपना सब कुछ सौंप दीजिए। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जो जिम्मेदारी है, उनके स्कूल की फीस, उनके कपड़े, उनका खाना पीना, उनकी ज़रूरतें, उनकी चिंता बच्चे नहीं करते, उनके मात पिता करते हैं। आपने नोट किया हो, कोई बच्चा अपने स्कूल की फीस की चिंता कर रहा है, खाने पीने की चिंता कर रहा है, कपड़ों की चिंता कर रहा है, तो उससे हम एक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि शायद बच्चे के मात पिता नहीं हैं, बच्चा अनाथ है अगर वो अपनी चिंता खुद करता है। तो मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप अपनी चिंता खुद कर रहे हैं, चिंता में घुल रहे हैं, तो आप अपने से कहिए, क्या मैं अनाथ हूँ? क्या मेरे सर पे मात पिता नहीं है? भगवान को पिता कहने वालों, उसको पिता बनाओ, पिता की अनुभूति लो, पिता की छत्र छाया में रहो, उसका सुख प्राप्त करो और चिंता सारी उसे सौंप दो। धन्यवाद। ओम शांति।